बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, देखिए उनके लिए 2022 में आने वाले मतलब कल के पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, सच बताऊं आपका 96% फंसा था। आप देख सकते हैं उस वीडियो को, मैंने आपको बताया था कि देखो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और वही आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। समझ रहे ना, पेपर आपका होने वाला है कल, तो आपको क्या क्या इस रात में आपको पूरा समझ रहे सब कुछ। लेकिन कुछ छात्र मुझे यार ऐसा कमेंट मत किया करो कि मुझे पेपर मतलब पता नहीं कैसी बात लिख दिया कि ठीक है। तो जो कोई वो समझ जाएगा जिसने भी ये लिखा है, तो उनका कमेंट था एक छोटा सा, एक है पिल्लू सिंह नाम के नाम है, तो मैं उनके कमेंट को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ऐसा कमेंट मत करो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ यार, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आपको लगता है कि आपसे मैं अलग हूँ? आप कह रहे हो कि मुझे नहीं दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पेपर के, एक बार बताओ मैं आपके साथ हूँ हमेशा नहीं हूँ? आप सोचो यार, मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो देता हूँ। एक बात बताइए, मैं आपको नोट्स सबसे कम पैसे में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना? और पहली बात तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, पेपर हैकर को चाहिए नहीं आपसे पैसे, फ्री में नोट्स दे रहे हैं हम आपको यार, जाओ फ्री में नोट्स दे रहे हैं हम आपको, कोई सा भी नोट्स ले लो एमसीक्यू से लेकर रिटर्न तक, सब फ्री दे रहा हूँ, समझ रहे? और वो भी बताए, आप प्ले स्टोर पर जाइए, पेपर हैकर सर्च करिए, बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, मेरे लगभग 200-300 ऐप पड़े हैं प्ले स्टोर पर, मेरे खुद के बिल्ड किए हुए, मैंने खुद बनाए हैं उनको, देखो जाके यार मेहनत। देखो यार एक बताऊं, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो एक टाइम लगता है हर चीज को। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, तो यार एक टाइमिंग होता है हर चीज का, वो टाइम जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बनता कोई भी चीज, समझ लो। अब मैं एक बताऊं, कोई भी नोट्स को बनाता हूं तो टाइम नहीं लगेगा, बताओ पूरे एक एप्लीकेशन को बनाते हुए कितना टाइम लगता है आपको पता है? पूरा लिखना पड़ता है, पूरा टाइपिंग करना पड़ता है, सब कुछ उसमें जावा लैंग्वेज वगैरह को सब नोट करना पड़ता है, कहाँ ओपन होगा, कहाँ क्लोज करना है, कहाँ पीडीएफ खुलनी चाहिए, कौन सी नहीं खुलनी चाहिए, कब उसका फोटो लगाना है, इमेज कहाँ लगाना है, सब कुछ देखना पड़ता है यार हमें। सोचो एक हर चीज जल्दी नहीं होती अब उसके लिए। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ आपका पेपर है, आपको याद करना है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट पहले भी दे रखे हैं, 3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि आल यूनिवर्सिटी के लिए आप वो भी पढ़ लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। अब बता देता हूँ बात वही है, याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अब एक मेरा एक नया प्लान है, आपका भाई बहन जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, तो उनके लिए मैं अपने तरफ से गेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूँ, मतलब कि सीरीज तैयार कर रहा हूँ, उसका नाम पेपर हैकर के नाम से ही होगा, मेरी इमेज लगी होगी साइड में, याद रखना है वही पढ़ना, वही मार्केट में भी आपको लॉन्च करवा देंगे जैसा भी होगा, ठीक है? मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन तो हमसे ले ही सकते हो, ऑनलाइन जाइए सीधे आप हमसे ऑर्डर करेंगे, आपके घर पर वो चीज़ बुक पहुंच जाएंगी, ठीक है? मैं यार वो सब कुछ करते हुए मुझे टाइम लगता है, मुझे पता है बाहर का भी टाइम देखना काम देखना पड़ता है, तो मैं यार गलत हमेशा पता नहीं क्या मतलब इतना ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा हूँ, सब तो आपके लिए निकाल रहा हूँ यार, अपनी भी पढ़ाई देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, सब तरफ से देखना पड़ता है। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, याद यार को सेकेंड पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से मेरी बात को, जूलॉजी के सेकेंड पेपर में आपको देखना है ओरिएंटल परिमंडल को देख लेना और ऑस्ट्रियल परिमंडल को देखना है, ये दो परिमंडल आप याद करना है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी आप ये देख लेना, उनकी अवधारणाओं की समस्याएं मतलब कि जीवन की उत्पत्ति में कौन कौन सी समस्याएं आई थी वो समस्या देख लेना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी एक्सप्लेन करना है विद एक्सप्लेन उदाहरण सहित करना है, ठीक है? ये दो हो गए क्वेश्चन क्लियर कर लिए, नोट्स करो, नोट करो फटाफट, नोट करो या फिर आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर है उस पर टिक लगाओ। उसके बाद में आपको देखना है रेप्टिलियन लक्षण के बारे में और एवियन लक्षण, इसको छोड़िएगा, और इलेस्टेलिक इसको भी छोड़िएगा, सेयोजक इसके प्रमाण जैविक तत्व इसको देख लेना, ये वाला देख लेना, सेयोजक कड़ियों के प्रमाण द्वारा जैविक विकास, ठीक है? और ये देख रहा है माइक्रो इवोल्यूशन मतलब कि दीर्घ विकास कैसे हुआ, दीर्घ विकास को ये शॉर्ट में बन सकता है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना उनमें ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको पढ़े दो एक बार पढ़ो, और उसके बाद में आता है मध्यजीवीय महाकाव्य, इसको पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को, सो वेरी शॉर्ट में बनेगा। प्राणियों के भौगोलिक वितरण के बारे में ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, प्राणी का भौगोलिक वितरण, टिक लगाओ। उसके बाद में ये देखो ये क्वेश्चन लैमार्कवाद और लैमार्कवाद की आलोचना, नव लैमार्कवाद पढ़ेंगे और डार्विनवाद और डार्विनवाद की आलोचना, ठीक है? समझ रहे ना, ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बारे में, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कितने बन रहे हैं,
ठीक है, आपको बोला 10 क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट में बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन लगभग में शॉर्ट में, और 2 लगभग 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और करने के लिए कितना बोल रहा है, 4, मतलब कि 3 एक और बढ़ा लो 16 हो गए, और 2 और बढ़ा लो 3 और बढ़ा लो, मतलब कि 18, 19 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, ये बोल रहा है, तो आप ध्यान से पढ़िए। उसके देखो देखो यहां बोला गया जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये आपके लिए रहेगा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे ना, पढ़ो आप, पढ़ो तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, इसको रट के जाना है। उसके बाद में पीतक के आधार पर अंडों का वर्गीकरण कैसे करोगे, पीतक जानते हो, पीतक के आधार पर अंडों का वर्गीकरण कैसे करने वाले हो आप, वो देख लेना एक बार, प्रकार देख लेना, ये विदलन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ये संक्राणु के प्रकार, संक्राणु जनन जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा जस्ट मोमेंट रुकेंगे, देखिए यहां से कर देता हूं इसको, अब समझाऊंगा मैं तुम्हें, ये आप देख रहे हैं ना युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संक्राणु जनन, याद रख लेना, दूसरा होता है, देखो ये मैंने लिख रखा है वहां से वहां, संक्राणु जनन, और दूसरा होता है अंडाणु जनन, इन दोनों को युग्म जनन जब आप पढ़ोगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें से अलग अलग पॉइंट से भी आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग आ सकते हैं कि संक्राणु जनन और अंडाणु जनन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, शुक्राणु जनन से बोलते हैं, शुक्राणु जनन, ओके, और ये आपके युग्म जनन के अंतर्गत आते हैं, ये आप दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद में भ्रमण कलाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके, भ्रमण कलाएं और उनकी उत्पत्तियां, ये पढ़ोगे आप, और ये आपका विदलन हो गया, विदलन मैंने आपको बताए थे, और ये है जरायुज, जरायुज का निर्माण कैसे होता है, इसको आप पढ़ लेना, ये है मंदधारा, इसको वेरी शॉर्ट में लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बने, अब देखो मेरी बात समझो, मंदधारा हो गई, मंदधारा आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, पढ़ के जाना, पढ़ लोगे तो बना बना के लिख दोगे, मुझे बताए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना बना के जरूर कर देना, मैं आपसे वादा करता हूँ फेल नहीं हो गए तुम, वहां 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो भले ही, मैं आपको कह रहा हूं 1 नंबर वो दे देगा, आधा नंबर दे देगा, लेकिन दे देगा, लेकिन आप लिख के आओगे तो सही से लिखना, लेकिन लिखना अच्छे तरीके से बनाना है। अब देखो जीवाश्म का निर्माण किस तरीके से होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट बता रहा हूं, जो मोस्ट बता रहा हूं उसको मोस्ट पे लगा लेना, जीवन की उत्पत्ति ये मैंने ऊपर भी दे रखा है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने देखा था, ये युग्म जनन, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये भी आपके लिए मोस्ट मैंने बताया था, ये मोस्ट है, ठीक है, ये जरायु ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको देखना शॉर्ट में और लॉन्ग में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना निश्चेषण फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छप रहा है, ये क्वेश्चन छप रहा है, देख लेना। उसके बाद में देखो ये कह रहा है हिक्कल का पुनर्वृत्ति सिद्धांत, हिक्कल का पुनर्वृत्ति सिद्धांत, इसको पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो मोस्ट बता रहा हूं वो इंपोर्टेंट ही है, फालतू में कुछ बताता ही नहीं आपको। आदि रेखा उपरान्यास, इसको छोड़िए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसको पढ़िए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, हटाओ ये छोड़ो, उपार्जित वंशागति की बारे में पढ़ो। इसको कह रहा है न्यूट्रल ट्यूब का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस भी बोलते हैं, न्यूरोजेनेसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगाओ, ठीक है। ये कह रहा है निंडरथल, जो कह सकते हैं निंडरथल जो मानव होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना है, इसको एक बार पढ़ के जाना, गेस्ट पेपर में आपके नोट्स में ये दिया हो तो पढ़ लेना है एक बार। क्रोसोमल अभिक्रिया क्या होती है, इसको छोड़िएगा, ठीक है, अब जाओ नीचे। ये देखिए ये कह रहा है मेंढक के टैडपोल का जो कहते हैं कलांतरण कैसे होता है, टैडपोल लार्वा का कलांतरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। घोड़े की वंशागति का वर्णन, वंशागति के वर्णन को एक बार पढ़ लेना। अंडे के प्रकार मैंने ऊपर बताए थे आपको क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीतक के आधार पर अंडे का वर्णन करो, ऊपर बताया था। देखो ये है जीन म्यूटेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीन म्यूटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, रटो इसको, रटो इसको। और लास्ट में ये चूजे का वर्धक, देखो भ्रमण कला कैसी होती है, वर्धक का मतलब होता है जो पीतक के आधार पर अंडे देख रहे थे, चूजे का निर्माण कैसे होता है अंडे में, पीतक के आधार पर होता है वो बोला गया है। आप देखो वर्धन जो है वो कला भ्रमण के बारे में आपको वर्णन करना है, बस इतना पढ़ लेना। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पढ़ के 85% प्लस ला सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर। अब ऐसा कमेंट कभी मत करना जो आपने किया है पुलू सिंह से, ठीक है ना, वीडियो को देख रहे तो।